धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर का कहना है कि जैसे ही मार्च के दूसरे सप्ताह में वैश्विक कोरोना महामारी का उदय भारत में हुआ, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता ने तुरंत ही पूरे देश में लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय लेकर जनता से अपील की थी कि मेरे देश पूरी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन का पालन कर इस महामारी से बचने के लिए पांचों मंत्रों को लेकर जनता के बीच रहेंगे। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी, उससे हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार तथा पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मजबूत तालमेल से प्रमाणित कर दिया है कि कुशल और सुशासन के साथ साथ मजबूत संगठन की संयुक्त ताकत के सामने कोरोना हिमाचल में पांव नहीं पसार पाया है। प्रदेश के महामंत्री ने कहा कि 22 मई से 29 मई तक एक पन्ना प्रमुख संवाद अभियान के रूप में कार्यक्रम मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अभी तक कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में पन्ना प्रमुख बैठकों का यह आंकड़ा 1000 पार कर गया है, जिसके द्वारा सीधे 12000 से भी ज्यादा पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को साथ लोग जुड़ चुके हैं। अगले कुछ दिनों में इसकी संख्या 1800 करने की भी चुनौती दी गई है। हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजीव बिंदल जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी ने जो एक टास्क दिया था, उस टास्क को कांगड़ा पार्लियामेंट्री के जो कार्यकर्ता है उन्होंने एकजुटता के साथ पूरा किया। यह सही है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ कि हिमाचल की जिंदगी को कोई आंच ना आए, उसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल था उसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। विरोधी लोगों ने आलोचना की, कभी उन्होंने कहा कि बाहर हिमाचल के लोग फंसे उनको नहीं ला रहे हैं, और जब हिमाचल के लोग अंदर आए, हिमाचल प्रदेश में आए, तो क्यों लाए जा रहे हैं, इत्यादि बहुत सी बातें हैं। लेकिन उनको ये लगता था कि शायद हिमाचल में बहुत खराबा होगा, लेकिन ये जयराम ठाकुर की कुशलता थी कि ऐसे उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के जो पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो कांगड़ा में हमें एक टास्क दिया था, मित्रों कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 170 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रथम चरण में बैठकें हुई, 170, और ये बैठकें पार्लियामेंट्री स्तर की, जिला स्तर की, मंडल स्तर की और त्रिदेव स्तर की। और कांगड़ा पार्लियामेंट्री का जो कार्य वो बहुत शानदार रहा। जो हमारी कांगड़ा पार्लियामेंट्री की जो टीम है, चाहे हमारे वो जिला के प्रभारी है, चाहे हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे 2017 के प्रत्याशी है, सभी लोगों ने सहयोग करते हुए 170 का आंकड़ा पार किया और पूरे प्रदेश में कांगड़ा पार्लियामेंट्री का कार्य सबसे शानदार रहा है।